स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 199वें सप्ताह पर अपना सुपर बाजार सिविक सेंटर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। परिसर के आसपास फैली गंदगी कचरे पन्नियों को डस्टबिन में डालकर जंगली गाजर घास की कटाई कर स्थल को स्वच्छ किया गया। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा पिछले 198वें सप्ताह से टाउनशिप सहित पटरी पार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 199वें सप्ताह में अपना सुपर बाजार सिविक सेंटर में समिति द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत बाजार परिसर के आसपास वृहद रूप से सफाई कर यहां फैले कचरे को एकत्र कर डस्टबिन में डाला गया। जंगली गाजर घास की सफाई की गई। आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। अभियान की जानकारी समिति के सदस्यों ने दी। नमस्कार दोस्तों, आज स्वच्छता अभियान का स्वच्छता सेवा समिति का 199वें सप्ताह है। हम लोग आज सिविक सेंटर कला मंदिर के सामने अपना सुपर बाजार में सामने में बहुत सारी झिल्ली पन्नी पड़ी हुई है, उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा, और 199वें सप्ताह पूरा कम्प्लीट हो गया है और यहाँ सब भिड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी स्वच्छता बनाए रखें और इधर उधर झिल्ली पन्नी ना फेंकें, उसको एक जगह इकट्ठा करें। यही आपसे आशा करता हूं, और स्वच्छता बनाए रखें, देश को स्वच्छ बनाएं और स्वस्थ बनाएं। और यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के लिए पहले गांधी जी ने ध्यान दिया, अब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। तो यही कहूँगा कि गांधी जी बापू ने दिया ज्ञान, बच्चे बूढ़े और जवान सफाई पर रखना ध्यान, देश बनेगा तभी महान। प्रसंगवारी हो झन करो तोर मोर, सफाई कराओ गली खोर, सफाई माँ देवा जोर और बगरावा नवा जोर। धन्यवाद। जय जोहार मित्र, आज हमारे स्वच्छता के 199वें सप्ताह हमारी जांबाज युवा साथी मन के द्वारा पूरा जिला के भिन्न भिन्न क्षेत्र में हमन करथन। आज हमन ले हन सुपर बाजार सिविक सेंटर। आप देखा तो हो यहाँ कितना गंदगी रही से, जिला हमारे स्वच्छता टीम के हमारे साथी सजग प्रहरी मन है साफ करके पूरा क्लीन कर दे है। मैं यहाँ आशा करता हूँ आप मन भी हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़ो और भिलाई ला दुर्ग ला प्रदेश ला देश ला स्वच्छ बनाओ। जय जोहार जी। बहरहाल इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू सहित समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।